सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में खास तौर से बहुत बड़ा चेंज आया है। लोग अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रेमिजन और रिवर्सल भी कर सकते हैं, वो भी डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से। जहां तक सवाल है टाइप 1 डायबिटीज का, उसके अंदर कंट्रोल पाया जा सकता है, पर उनको अपना मेडिकेशन चालू रखना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज 90% होते हैं। और एक चीज देखिए, बहुत साधारण सी है, जैसे अगर गर्म पानी में आप हाथ डालते हैं तो आपका हाथ जलेगा। अगर कोई भी पूछेगा तो बोलेगा यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है। पर डायबिटीज के मरीज के मामले में ये चीज गायब हो जाती है, इवन डॉक्टर्स के संदर्भ में देखा जाए तो भी। भाई आप भोजन कर रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही है, आप शक्कर खा रहे हैं, मीठा नहीं खा रहे, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ रही है, तो वही कॉमन सेंस यहां पर लागू नहीं कर पाते लोग। कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको मिलवा रहा हूं सत्यपाल जी से, जिनकी उम्र है 41 साल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिक से, महाराष्ट्र से ही हैं, और इनको अप्रैल 2023 में डायबिटीज डायग्नोज हुई। 2-3 महीने के बाद इन्होंने हमारे वीडियोज देखे और जुलाई अगस्त के आसपास इन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन, डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। तब तो इनकी ब्लड शुगर 300 के ऊपर थी, पर डॉक्टर्स ने इनकी डायबिटिक शुरू की तो ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगी, खाने के बाद में 125 150 इस तरह का। पर HbA1c उस समय इनका 9.1 था जब डायबिटिक हुए थे, और वजन उनका उस समय 78 kg था, जो धीरे धीरे घटता चला जा रहा था। फिर जब इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल ज्वाइन किया तो इनकी ब्लड शुगर तेजी से कंट्रोल में आई, दवाइयां सारी बंद हुई, और अब इन्होंने फरवरी 2024 में एक बार GTT टेस्ट किया, अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए। दोबारा अभी 13 तारीख को जुलाई में किया है 2024 में। अब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 90 से 115 के बीच में आती है, जैसा आप सामने रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि जिस दिन इन्होंने GTT किया उस दिन 116 फास्टिंग में थी। उसके 75 ग्राम ग्लूकोज 1 घंटे के बाद में 126 आई और 2 घंटे के बाद में 98 आई, मतलब इन्होंने अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर लिया है। तो इन्होंने खाली रेमिजन नहीं किया बल्कि रिवर्सल किया, और ये आप भी कर सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, तो आपको कैसे डायबिटीज हुआ, क्या अनुभव हुआ, प्लीज बताएं। सर मुझे है ना अप्रैल 2023 को डिडक्ट हुआ। ओके जब मैं अच्छा बीमार पड़ा था तब है ना मेरा शुगर बढ़ा था। सब टेस्ट करने के बाद 309 था ट्रेंडिंग ओके शुगर। ओके उसके बाद है ना तो गोली सर ने मुझे गोली चालू कर दिया। मैं तो टेंशन में आया था कि शुगर ये होने वाली नहीं है। सही बात, सही ऐसा बात। सबको सबको मालूम है कि शुगर ये नहीं होती है। तो मैंने हाँ आपका फेसबुक में पूरा ऐड देखा, सब ये हाँ देखा। उसके बाद मैंने दो के बाद आया ये कि मैं बोला नहीं शुगर तो बैठती नहीं, विश्वास नहीं हो रहा था ना। तो बराबर मैंने आपका वीडियो देखा सबका, वो आपने वो जो वीडियो डाले ऑडियो डाले वो देखा मैंने। टेस्टिमोनियल। उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि चलो हो सकता है, तो मैंने आपसे बराबर कॉल किया डायरेक्टली, ट्राई किया। बराबर उसके बाद ग्लूकोफी वो जो आपने गोली भेजी, उसके बाद आपने पूरा बराबर मुझे ये दिया, पूरा टोटल सपोर्ट किया। मैंने बराबर से ये किया, जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा किया मैंने। आज तो मैं ये गोली गोली आपकी कितने समय में बंद हो गई थी, डायबिटीज की जो गोली आपकी चलती थी वो कितने समय में बंद हो गई थी? आपने तो 3 महीने 2 महीने 3 महीने में ही बंद कर दी थी वो। बंद हो गई थी, बराबर बराबर। फिलहाल तो मैंने फिर लेट शुगर, बताया आपको, हाँ जी मैंने तो लेट बताया सर जी मेरा कि शुगर लेवल कम हो रहा है कम हो रहा है। आप मैं 2 महीने पहले ही बताता था तो आप वो गोली बंद करते थे, लेकिन बराबर मैंने लेट बराबर बताया थोड़ा। तो ओके। गोली तो बंद करने के बाद है आपका ना, पहले शुगर कितना आता था ज्वाइन करने के पहले, और फिर बाद में जब आपका गोली बंद हो गया तब फिर कितना आने लगा? तो सुबह का वो उस टाइम है ना 110 120 ऐसा आता था फास्टिंग में, और खाना और खाने के खाना बाद है बराबर, ना कभी कभी 40 140 150 वैसा आता था पर आपकी गोली गोली चल लेने रही के थी उस बाद। समय, पर टैबलेट चल रहा था, हाँ हाँ टैबलेट, हाँ ग्लूकोज फ्री वो जो जो गोली थी वो चल रहा था 1 mg का एलोपैथिक एलोपैथिक की दवा एलोपैथी भी का। चल रही थी ना उस समय हाँ तो। हाँ 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 चल रही थी तो। फिर जब डाइट फॉलो किया तो 2 महीने में आपका गोली बंद हो गया, फिर कितना आने लगा गोली बंद करने के बाद में शुगर? वो तो डायरेक्टली सर 102 110 10 5 ऐसे ही आने लगा। सुबह बराबर। का 97 90 88 ऐसा आने लगा। उसके अच्छा, बाद सर मैं आपके रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें आपने एक फरवरी में भी GTT किया है। हाँ हाँ बराबर सर।
तीन बार किया मैंने। तीन बार किया, ये थर्ड बार में पास हुआ है, हाँ मुझे लगा सेकेंड टाइम में। तो ये कब कब किया आपने जीटीटी? फरवरी का तो देखो मैंने ना सर, रिपोर्ट देखा। हाँ वो डाला ही नहीं था मैंने, वो फेल हुआ था ना उसकी वजह से भेजा ही गया आपको। ओके 25/4 को भी मैंने किया था सर, ओके ओके 25/4 को मेरा है ना 139 आया था जीटीटी, वो 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद। पर 139 आपने बोला था ना का ना जिलेबी, हाँ बॉर्डर पे पास है, बॉर्डर पे पास है 139 भी, और हाँ तो अभी आपने पूरी बोला तरह कि पास। और ट्राई करो, 1-2 महीना और करो और उसके बाद करो, तो वो उसके अभी बाद आपका मेरा निकाल ये आ गया, रिजल्ट आ गया। अभी क्या क्या रीडिंग्स आई हैं आपकी? अभी देखो ना सर जी, मेरा सुबह का ब्लड शुगर जो है ना फास्टिंग में लिया ना, तो घर पे लिया था तो 98 आया, तो ओके, उधर 116 जाने के बाद 116 भरा है। बताए, बराबर। फिर हाँ, उसके बाद और आपका 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद 1 घंटे 1 आवर्स के बाद 126 आया, बराबर, और 2 घंटे और बाद 2 घंटे बाद 98 आया, नाइनटी दो एट घंटे बाद 98 आया। परफेक्ट है। आपका डायबिटीज का रिवर्सल हो गया है। अब आप डाइट में वैसे रिलैक्सेशन ले सकते हैं, पर अब वजन भी आपका एकदम फिट है, 67। हाँ ये वो सर आपके तो नहीं, मेहनत तो देखो आपने किया, आपके मिसेज ने इतना सपोर्ट किया, तो हाँ बेसिकली सर, उन हाँ लोगों सर के कारण है। देखो मैं सबको गाइड करता हूं, पर हर कोई कर पाए ऐसा तो नहीं है। सर बहुत बहुत दिक्कत आती थी, बहुत दिक्कत। मेरा खाना अलग, लड़के लोगों का टिफिन अलग, मेरा सब अलग, वो भी परेशान होती थी, वो तो सही, कभी कभी रोती थी सुबह सुबह की, अरे सही मैं क्या करूं, क्योंकि क्योंकि बात, सर टेंशन होता है ना सुबह सुबह सही सब सब बात। करने का, तो फिर भी मैं बोला चलो 2-3 महीने सर, वो तो नहीं, पर बोलती थी सर। अब इसमें रिलैक्सेशन ले सकते हैं। मैं डाइटिशियन को बराबर बोलूंगा, अकॉर्डिंगली वो गाइड करेंगे। और अब देखो मैं बराबर, धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, इसको एकदम सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं, इसमें सिंपल। मेरा फायदा क्या हुआ सर, कि मेरा जो बीपी का गोली था ना वो आपके वजह से बंद हुआ, हाँ, वो भी बंद होगा। ट्रू, कितने मरीजों का वो बीपी का दवाई बंद होता है, थायराइड का बंद होता है, बराबर। सर मेरा 5-6 महीना हो गया है बीपी का गोली बंद हुआ, जैसा आपका डाइट प्लान लिया ना मैंने वैसा मेरा बीपी का गोली बंद हो गया। वेरी ट्रू। अब देखो कैसा है, मैं इन चीजों को और सिंपल करता जा रहा हूं। मैंने क्या बराबर सर, किया है, एक साइट सर्टिफाई की है जो अमेजोन पर है, डॉक्टर एरन्स की। उसके बराबर सर, अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब डायबिटीज फ्रेंडली है, मतलब पेशेंट उस स्टोर पे जाके कुछ भी फूड लेगा, वो बराबर सर, सारी चीजें डायबिटीज फ्रेंडली हैं, चाहे वो आटा ले, या फिर रोटी का आटा, या फिर आपके ब्रेड का आटा, चावल, नूडल्स, बिस्किट, नमकीन, हर चीज उसके अंदर डायबिटीज फ्रेंडली डाल के रखी है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी को भी, भले वो कोर्स में जुड़ा हो ना जुड़ा हो, अगर हाँ वो सर, फूड्स के अब ऊपर जाकर के और उसको एडॉप्ट कर ले, तो ही उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसको सुपरवाइज्ड वे में जाना चाहिए, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इश्यूज आ रहा है, सामने सामने रिजोल्व होता रहता है। तो एनीवे, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई डायबिटीज थैंक यू सर। के कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल की। और आपको सुन करके, मिसेज कुछ बोलना चाहती हैं तो बोले, भले मराठी में बोले। हाँ, वो शर्माती है, वो बोला उसको मराठी आता ना खाली, वो हिंदी हिंदी कुछ नहीं आता। मराठी में बोल सकते हैं, हमारे कितने तो हाँ महाराष्ट्र के पेशेंट है, मैं खुद हाँ महाराष्ट्र बराबर में हूँ। सर, उसको पूछा मैंने, नहीं बोलती हो रहने दो, कोई मेरे बात मम्मी पापा नहीं, को भी सर शुगर नहीं, कुछ भी नहीं है, टोटल किसको भी नहीं है मेरे घर में, उनको किसको उनको भी बोलो साइड में बैठ करके भी बोल सकते हैं, उनकी आवाज भी आ जाएगी, तो भी लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं। में आएगा चीजें। हाँ बस, हाँ बोलना बोलना सर, ऐसे बोलना। आपको आपको सिस्टर तकलीफ क्या क्या हुआ इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, वो बताइए आप। तो तो नमस्कार, नमस्कार। क्या क्या मला परेशानी हुआ डाइट फॉलो कराने में, आप तो वो बताइए मेरे। लय प्रॉब्लम होत होता, त्यांच्या चपात्या वेगळ्या करायच्या, आमच्या वेगळ्या करायच्या, सगळं वेगळं होतं आमचं। परत बरोबर बरोबर आम्ही जेव्हा पीठ बनवायचं ना घरी, तेव्हा चपात्या सुद्धा येत नव्हत्या त्याच्या मला, कारण बरोबर मी चपाती लाटायला जायची ना तुटून जायची, मी सारखी रडायची की चपाती येत नाही, मग नंतर तुम्ही ती पीठ दिलं ना विकत, त्याची चपात्या बनवल्या, खूप त्रास बरोबर व्हायचा, पण सर तुमच्यामुळे झाले सगळं ते, ते शुगर बरोबर। शुगरची गोळी पण बंद झाली त्यांची, बीपीची हाँ, पण झाली। पर अभी ये रिवर्स हो गया, तो आपने जो तकलीफ लिया उसका बेनिफिट मिल गया उनको, हाँ, मला खूप आनंद झाला सर, मी तर तुम्हाला भेटायला येणार होती मुंबईला, माहिती का माझे बरोबर। मावशी राहते, अरे मी म्हटलं जाऊ आम्हाला यायचं तर तिथे कभी तुम्हाला भी, भेटायला, कभी भी आओ, कभी भी आओ आप लोग, ठीक खर नाही है? माझ्या मावशीला पण शुगर आहे ना, मी त्यांना तुमचा नंबर अच्छा, दिलेला आहे, ओके ओके, ठीक त्यांना है, सांगितलेला आहे मी। बरोबर बरोबर, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सुनकर के लोग डेफिनेटली मोटिवेट होंगे और डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल करने की तरफ कोशिश करेंगे। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर।